हरिद्वार में डूब रहे थे दो शिव भक्त। शिव भक्तों की जान बचाने के लिए गंगा में कूद पड़े दो एसडीआरएफ टीम के तैराक। अपनी जान पर खेल कर बचाई दोनों शिव भक्तों की जान। हमारे साथ समझिए खबर का पूरा ज्ञान। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो, लोग दोनों तैराकों की खूब कर रहे तारीफ। कुछ लोग हरिद्वार में जल लेने पहुंचे, उन लोगों ने जैसे ही अपनी नाक बंद करके हरिद्वार में डुबकी लगाई, उसके चंद मिनट बाद ही चीख पुकार होने लगी। आसपास लोग जमा होने लगे, आसपास कोई इस घटना का वीडियो बनाने लगा तो कोई हरिद्वार में डूब रहे लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। कोई पानी के करीब तक जाता फिर लौट आता। लोगों को नजर आ रहा था कि हरिद्वार के पवित्र जल में कुछ लोग बहकर जा रहे हैं, कि इसी दौरान कुछ लोग इस बहते हुए जल में लोगों की जान बचाने का हर संभव प्रयास करने लगते हैं, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस जान बचाने वाले प्रयास में ये दोनों सफल भी हो रहे हैं। अब ये दोनों लोग कौन थे, ये पूरी घटना क्या है, इन सभी प्रश्नों के हम आपको एक एक करके सिलसिलेवार उत्तर देंगे। दरअसल इसी 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। इसी बीच शिव भक्त अपने कंधे पर कांवड़ लिए हुए भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इस समय गंगा घाट में भारी भीड़ नजर आ रही है। इसी बीच बीते दिन दो युवक हरिद्वार में गंगा घाट पर पहुंचे, दोनों ने गंगा जी के सामने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और नदी में डुबकी लगाई, लेकिन इसी बीच अचानक कई लोगों ने शोरगुल करना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दो लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए नीचे झुके थे वो अचानक डूबने लगे। ये देखकर आसपास अफरा तफरी मच गई कि इसी दौरान दो लोगों ने मोर्चा संभाला और डूब रहे लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार कांवड़ मेला ड्यूटी के लिए हरिद्वार में एसडीआरएफ टीम को यात्रियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील घाटों पर तैनात किया है। एसडीआरएफ के मुताबिक 22 जुलाई को हरिद्वार के कांगड़ा घाट में गंगा जल लेने के दौरान एक कांवड़िया अनियंत्रित होकर गंगा के तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगा। कांवड़ियों को बहता देख मौके पर मौजूद एसडीआरएफ टीम के तैराकों ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद डूबते हुए युवक को बचा लिया गया और उसे सुरक्षित नदी से बाहर निकालने में सफलता हासिल कर ली गई। जिन दो लोगों ने डूब रहे युवक की जान बचाई उनका नाम तैराक आशिक अली और शिवम ज्ञात हुआ है। तो वहीं रेस्क्यू किए गए दोनों कांवड़िये पवन कुमार पुत्र राजकुमार उम्र 29 साल रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, तो वहीं गिरीश कुमार उम्र 45 शामिल है। इन युवकों को बचाने का वीडियो बीते समय से सोशल मीडिया पर खुद देश से वायरल हो रहा है। लोग जान बचाने वाले लोगों की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि यही है असल में शिव भक्ति। ज्ञात है कि इस बार सावन के पहले सोमवार से ही हर बार की तरह शिव मंदिरों में अपार भीड़ देखने को मिल रही है। कई शिव मंदिरों में भगवान शिव को जलाभिषेक कराने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जानकारी के अनुसार सावन में शिव पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो भी शिव भक्त सावन में भगवान शिव की पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस सावन के दिन में कई मंदिरों में तो कई घरों में रुद्राभिषेक भी कराया जाता है ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो सके और भक्तों के कष्ट दूर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।